गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम इसमें अपना चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स करेंगे। तो हमने इसमें न्यूट्रल सब्सटेंसेस तक कर लिया है, अब हमें करना है इंडिकेटर्स, ये वाला टॉपिक। वी नो डैट एसिड्स आर सॉल्ट वाइल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। हम जानते हैं कि जो एसिड्स हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में और जो बेसिस हैं वो कड़वे होते हैं। बट वी कैन नॉट टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। पर हम सारी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते ये जानने के लिए कि एसिड है या बेसिक है ना, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज सम सब्सटेंसेस मे बी हार्मफुल टू अस, ये इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए खतरनाक हैं, हार्मफुल हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू वी फाइंड द, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एसिड है या बेस है। तो क्वेश्चन 1, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड बाय योर टीचर्स और एल्डर्स। आपको किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करना है जब तक कि आपके टीचर्स या फिर आपके बड़ों द्वारा बोला ना जाए। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, किसी भी चीज़ को टच मत करो जब तक आपको कुछ करने के लिए ना कहा जा रहा हो। नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग इट टू फाइंड द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस वी यूज इंडिकेटर्स। जब हम किसी चीज़ का नेचर पता लगाना होता है हमें और हम उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंडिकेटर्स के थ्रू। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर स्पेशल सब्सटेंसेस डेट गिव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। इंडिकेटर्स स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जो अलग कलर देते हैं हमें, किसमें, एसिड मीडियम में और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर देते हैं। दस दे आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। दीज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। ये जो इंडिकेटर होते हैं ये हमें बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है नेचर में या बेसिक है, क्योंकि अलग अलग कलर हमें शो करते हैं, और इन्हीं इंडिकेटर्स को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं अब ये पढ़ेंगे। हाउ डू इंडिकेटर्स वर्क, व्हेन इंडिकेटर्स आर एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस दे चेंज देयर कलर। जब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर उस सॉल्यूशन में एसिड होता है तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, और बेसिक होता है तो अपना दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। टर्मेरिक लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एंड रेड कैबेज जूस आर सम नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स। जो टर्मेरिक लिटमस आता है यानी हल्दी का लिटमस पेपर, नहीं तो चाइना रोज के जो पेटल्स होते हैं वो भी हमें बता देते हैं कि ये चीज़ एसिड है या बेसिक है। रेड कैबेज जूस, जो लाल वाली बंद गोभी होती है उसका जूस भी हमें बता देता है कलर चेंज करके कि एसिड है या बेसिक है। फिनोल पैथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स। फिनोल पैथिलीन और मिथाइल ऑरेंज ये क्या है, ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स हैं, ये इंसानों द्वारा बनाए गए हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, चलो आगे देखो। लिटमस एज एन इंडिकेटर, हम लिटमस का यूज़ कैसे करते हैं इंडिकेटर की तरह। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला नेचुरल इंडिकेटर क्या है, लिटमस है। इट इज़ अ डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, ये जो लाइकन्स होते हैं इससे डाई बनाया जाता है। द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इज इन डिस्टिल्ड वाटर इज मॉव इन कलर। जो सॉल्यूशन है लिटमस का, अगर उसको डिस्टिल्ड वाटर में डाला जाए वो न्यूट्रल होता है, उसमें पर्पल कलर का हो जाता है ये। दिस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन होता है। हाउ डज लिटमस सॉल्यूशन वर्क, अब ये काम कैसे करता है। फर्स्ट, व्हेन नेचुरल लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। ये जो न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन है, जब हम इसे एसिड में ऐड करते हैं तो ये अपना कलर रेड कर लेता है, जिससे हमें पता चलता है ये एसिडिक है, और अगर हम इसे बेस में डालते हैं तो ये ब्लू में चेंज हो जाता है। बी, व्हेन नेचुरल लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इट डज नॉट चेंज इट्स कलर, और जब हम इसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज नहीं करती है। लिटमस सॉल्यूशन इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ये जो लिटमस सॉल्यूशन है ये आपके लैब्स में भी उपलब्ध होगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन
कलर में और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के कलर में. टू मेक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस आर एडेड टू न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन. जो आपके पास न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन है आप कुछ ड्रॉप्स उसमें क्या डाल दो, बेस डाल दो, तो कैसा बन जाएगा, ब्लू कलर का बन जाएगा. टू मेक रेड लिटमस सॉल्यूशन, अगर आपको लाल कलर का लिटमस सॉल्यूशन बनाना है तो आप उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल दो, तो न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, रेड कलर का. लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन पेपर स्ट्रिप्स. जो लिटमस है वो थिन पेपर स्ट्रिप्स में भी हमें मिलता है, ब्लू जिसे हम कहते हैं ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर. इसे आपने यूज़ भी किया होगा अपने लैब्स में. जब आप इसे सॉल्यूशन में, एसिड सॉल्यूशन में डालते हो तो ये रेड कलर का हो जाता है, ब्लू वाला. जब आप इसे बेस में डालते हो तो ब्लू वाला कैसा हो जाता है, रेड वाला ब्लू हो जाता है. एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. ठीक है, ये आपको ध्यान भी रखना है. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे.